ये बोलूंगा जमा करना ना सामने हो रहा। एक मिनट इधर आ जाइएगा, सब इधर जमा हो जाए। एक मिनट के लिए इधर आ जाइए। मेरी बच्ची वहाँ जाओगी तो हारिस मलाउन बोलते हैं कि जब बच्चे छुपे हुए थे याद होगा, मैं पूरे मसाइब नहीं पढ़े, सिर्फ जहनों को आबाद कर रही ताकि जब जाना तो भरपूर फुर्सत दे। जब छुपे हुए थे और क्या हुआ था कि तौबा को भी कहा था कि मोहम्मद तूने मुझे अपने घर छुपाया था। इन बच्चों ने ख्वाब में देखा जब पूरे कूफे इसमें दरबदर फिरते रहे इस जगह पे, तो इस जगह पे रोते रहे परेशान रहे, तो इसने देखा कि ये जो ज़ईफ़ा, इसने हाथ रखा कि माँ जैसे चप्पल थी, उसने अपने घर को दाबिया देखा था। जब इसका दामाद आया था और उसके दामाद ने आके क्या देखा था कि दोनों बच्चे ने नए कपड़ा ढूंढा था, तो मेरे घर पर रुके हुए हैं। कहते हैं कि इब्ने ज़ियाद का एक जुमला ताकि आप लोग जो है ना बताए जाना चाहिए। इब्ने ज़ियाद ने कहा था हारिस मलाउन, मैं मलाउन कह रही हूँ, नहीं कहता हारिस, तूने क्या सतम किया, इतने फूल जैसे बच्चे और जिनको मैं तो उसको फिर पकड़ के मुझे ले लेता, मैं इनको पाल लेता। और उसके बाद जैसे ही उसने कहा कि इनके चेहरे पहचाने जा रहे, पानी डालो। जब पानी डाला गया तो हारिस ने कहा कि तुमने इतनी अजियत दी है कि चेहरे नहीं पहचाने जा रहे। और जब पानी डाला गया तो इन बच्चों के चेहरे पे जो बाल गिरे हैं ना, तो कहा ये बाल क्यों रखा कि मैंने इतने जुल्म किया कि फेस का हुआ लाया। बस इन तमाम मसाइबों को याद करते हुए आपको जस्टिस में क्या फुर्सत देने आप आई है जनाब शहजादे रुपये जो पाक दामद रहे हैं। उनके चार बच्चों ने दो साथ लेके चली थी, दो बच्चे यहाँ अभी भी जब पहुंची थी ना कूफे आई थी, तो उसने उनको जनाबी का सर देकर सीख ये कहा था कि मेरे दो बिस्तर आपके साथ गए थे तो मेरे दो सर कस। बस उन मसाइबों को याद करते हुए बीबी को फुर्सत दीजिए, शहजादी बहन को फुर्सत दीजिए, कि उनके दो फूल आपने मर्जी में भी सुना होगा कि दो फूल तो रहने थे मोहम्मद के चमन में। सही है, इसको मसाइबों को याद करते हुए सहन उसको उनको फुर्सत दीजिए। बस कहाँ से जाएंगे अंदर।